सवेरे चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया था हमारे पास कि मतलब भाई ऐसे वैसे करके हमने कोई गायें पकड़ी हैं, तो उनके लिए बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने कहा था। तो हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे हेल्थ चेकअप के लिए हम आए हैं अभी अभी। इन सारे पशुओं की हमने टैगिंग कर दी है। सारे एनिमल हैं जो कास्ट्रेटेड हैं वो ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाले हैं, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होंगे। और अभी हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार किया। कितनी पहले पकड़ी है ये? टोटल 25। जबकि छपरा के कच्चे रास्ता से और यमुना की तरफ को उस बैल गऊ कसी के मिल जा रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली, पशु पुलिस ने अपने कुछ गोरक्षक हैं हमारे दोस्त, उनसे उनको भी बुलाया मौके पर, उनकी सहायता से और पुलिस की सहायता से इनको काबू किया। कितने बजे का वाकया सर, कब पकड़े? कल शाम को वाकया है। कौन सी जगह पकड़े गए? ये जबकि छपरा से कच्चा रास्ता जाता है यमुना। कितनी संख्या सर बैलों की? ये 25 बैल हैं और 5 बुगियाँ। हम उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन सारे बैलों को गौशाला में छोड़ा जाएगा। कहाँ पर, कौन सी गौशाला? गौशाला मथाना में बात हुई है, पहले कुंजपुरा भी बात की है, कई गौशालों में बात की है, कई गौशालों में जगह नहीं है, लेकिन अब मथाना में बात हुई है। हमारे साथी कुछ गोरक्षक साथ हैं, उनको वहाँ गौशाला में छोड़ा। तो जो गौ तस्कर हैं पकड़े भी गए? नहीं, अभी फरार हैं, पकड़ लेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे। है उनका क्लू कोई कहाँ पे, किस जगह पे, कहाँ पे? बस अभी तो वो छोड़ के भाग गया, नोनी है, बाकी जल्दी तलाश। मुकदमा दर्ज किया गया? बिल्कुल, मुकदमा।